फर्स्ट एड फॉर द सीजर्स। सबसे पहले यदि बच्चे को यदि दौरे आ रहे हैं तो हम बच्चे को रिकवरी पोजीशन में बच्चे को लिटाएं, बच्चे को एक तरफ करवट देकर, चाहे वो दाईं तरफ करवट दें चाहे बाईं तरफ करवट दें, ताकि बच्चे के मुंह में कोई सीक्रेशंस वगैरह हो तो वो सीक्रेशंस जो है वो गले के अंदर नहीं जाए, लंग्स में नहीं जाए। फिर हमें बच्चे को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि बच्चे को दौरे आ किस तरीके गए हैं। मान लो बच्चे को दौरे एक तरफ ही आ रहे हैं या दोनों तरफ, दोनों हाथों में आ रहे हैं, बच्चा उस समय होश में है नहीं है, आंखों का मूवमेंट किस तरह का है, कोई फेस में कोई ट्विचिंग वगैरह तो नहीं हो रही है बच्चे को, बच्चे के हाथ और पांव ढीले पड़ रहे हैं, अकड़ रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, है ना, बच्चों का सुसु पॉटी निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो बेसिकली हमें बच्चे को पूरा ओवरव्यू करना है कि बच्चे को आखिर दौरे किस तरीके का आ रहा है, कितनी मिनट वो दौरे परसिस्ट करते हैं, ये भी हमें नोट करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के आसपास के एनवायरनमेंट को हम एक बार जरूर चेक कर लें कि आसपास कोई नुकीली चीज है, ऐसी कोई हार्मफुल चीज नहीं है जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों के नीचे हम कोई तकिया या ऐसा कुछ पिलो लगा सकते हैं जिससे क्या होगा, बच्चा बार बार यदि सिर्फ बच्चे का जमीन से टकराने से जो हार्म होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चे का दौरा खत्म होने के बाद में हमें ये देखना है कि बच्चा जो है वो कितनी देर बाद में होश में आता है। यदि ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा समय लग गया होश में आने से, या उससे आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है समय कि बच्चा होश में नहीं आया, तो हमें तुरंत जो है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।